मॉर्निंग फ्रॉम ताड़ोबा अभयारण्य अभयारण्य। ये कुछ डंगरी पहन के रेडी है, क्या बात है, ऑल सफारी रेडी, सफारी रेडी। और मैं मेरे हॉलिडे मोड में आ गया हूँ, सो ये अपना हॉलिडे वाला टी शर्ट और ये बाकी सब नॉर्मली है। तो आज हम क्या देखेंगे? शेर। दिख गया तो दिख गया, प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट देखते कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। जो आज तक यहाँ आया है वो कभी फेल नहीं गया है। हाँ, ऐसा बोलते बिना देखे गया। आज बफर है, कल कोर है। बफर मतलब बाहर मतलब बहुत अंदर, कोर मतलब अंदर। तो सुना है कि बफर में ज्यादा दिखता है। तो जितने जल्दी जा सकते हैं उतने जल्दी जाएंगे। पहले पांच क्या बोलते हैं, पहले पांच क्या बोलते हैं उसको, जीप। पहले पांच जो जीप है उसमें ही जाना बेटर है, बिकॉज आपको एनिमल्स दिखने के ज्यादा चांसेस है। आफ्टर दैट वो लोग अंदर चले जाते हैं, बिकॉज ये लोग डिस्टर्ब, हम लोग जैसे हम लोग उनको डिस्टर्ब नहीं। और अगर दिखता भी है कोई क्रॉस करता तो आगे और गाड़ियाँ होती है, आगे और गाड़ियाँ होती है, तो फिर आगे गाड़ियाँ बहुत होती है तो एनिमल्स थोड़े रास्तों से हट जाते हैं। सो ऐसा सुना है। चलो और क्या सुना है, और कुछ बताने करूँ वो देखेंगे। All right, so टिकट ले रहे हैं हम लोग और कैमरा is... कैमरा अलाउड है ना? I don't know. देखते शक है, शक है, शक है, but I think 200 रुपए देके कैमरा अलाउड है। मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, राइट? मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं। All right, so सब पासेस की अरेंजमेंट हो चुकी है। यहाँ पे पूरी जिप्सी रेडी, मतलब बेसिकली पहले पहले पांचों में हम लोग है। मोबाइल जाओ लगना। तो एक बहुत ही प्रो फोटोग्राफर हमारे साथ है, समीर। समीर दादा बाबा ठंडी वास्ते हैं। सो पहले पांच गाड़ियों में सक्सेसफुली हम आ चुके हैं। यस, तो होपफुली हमें जल्दी दिखेगा। यस, होपफुली दिख जाएगा कुछ ना कुछ। ये रहा धवल, ये आप ठंडी है ना, बहुत है यार। यो कुछ कैसा है, कुछ लाया नहीं ना, इसलिए मेरे को नहीं लग रही है। okay, अभी फैशन पे हमके नीचे करना पड़ता है। कुछ दिखता है क्या? देखा अभी तक तो नहीं, विजिबिलिटी बहुत कम है। ज्यादा साहसी मत बन, बट श्रद्धा कपूर ने दिलेली भेट घातलेली आहे। छोरे काय दिसलं, काहीतरी दिसलं काय काय होतं इकडे? काश काश इकडे बाईक अलाउड असते, किती परफेक्ट आहे ट्रेल्स, एकदम जबरदस्त आहे, फ्री रन आहे। टायगर यहाँ पे कल थी, कब्र के हो गई, कब्र के कुठे, अच्छा टायगर दिख गया तो अपन तो ओपन ही है ना। दिसला तर काय करायचं, शांत पाहिले नाही का अजून परत, नाही कधीच नाही पाहिलं। दाखवून द्या तुम्ही आता, आज आमची इच्छा पूर्ण करा, पण सांग ना काय करायचं। नदी असते, नॅचरल स्प्रिंग। दिसला का कुछ, दिखा मार्क तरी दिसो। अच्छा मार्क चलने का है, काय मार्क उधर है। लेपर्ड मार्क्स पुढे चालले, हा बर्ड स्पॉटेड। स्पीति में ऐसा गाड़ी चाहिए, ऐसा चाहिए ऑफ रोड 4x4 टिप टॉप एकदम, झटके भी नहीं लग रहे। शूज जो मुंबई में कभी नहीं निकलते हैं बाहर। नील गए या पुढे पुढे गेले? बघतात बघतात इकडे बघतात, वो देखो गाइस मोठे आहेत रे,
कहता सेफ फट तेरा वो देखो अच्छा सो ये है एक संरक्षण कुट्टी या और अभी हम करेंगे तो ये रही हमारी तीन जिप्सी तीन फैमिलीज काफ़ी है बट तीन जिप्सी ब्यूटीफुल गाड़ी यार चलो हो गए अच्छा सगळ्यांनी मला सब्सक्राइब केलंय ना कितना बेसरम मोर दिख गया मोर वॉटर बॉडी कोई तो आना चाहिए पानी पीने के लिए यहाँ पे ना हरियाल ग्रीन पिजन येलो कोटेड ग्रीन पिजन कोटेड ओ सही है पूरा किंग फिशर दिख गया वुड पिकर त्याच्या मागे आहे बघ बघ तो ठोकतोय बघ त्याला चलो टायगर ने बर्डिंग तर होतंय फ्रेश एयर क्या गाड़ी है हेलो किधर पे घुसती है पेरू जसं जसं ऊन वाढेल ना तसं बटरफ्लाय स्पॉट करके रहेंगे फेवरेट स्पॉट है का सर्च जारी है खोज जारी है खोज बांबू बांबू जला काही तेवढे त्रास नाही होत बहुत बड़ा है सुपर्ब मगर असे पाण्यात असतील ना का कुठे असतील काय माहिती उन्हाळ्यात जास्त निघून राहतात क्रोकोडाइल्स आता आपलं पाणी नाव काय धरणाचं इरई धरण डॅम म्हटलं तर इरई डॅम यस नाश्ते का टाइम हो गया मेबी नाश्ता करते करते इसमें पानी पानी है और इसमें ओ हो क्या बींग जंगली इसमें भी ऑमलेट एक ऑमलेट थेपला अरे थेपले आणले ओ हो 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 वाव फ्रॉम मुंबई क्या मेथी मस्त बाघ के नाखून के निशान तो क्या कर दो ऐसा अरे बाप रे टेरिटरी दिखाने का एक तरीका है पर दिख नहीं रहा है ना ससुरा ओहो व्यू बस टाइगर नहीं दिख रहा है ससुरा अच्छा बिल्डिंग चालू है बनना चालू है ऐसा मोटा मोटा व्हील था बड़ा होएगा वो धीरे 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 सफारी हो चुकी है खत्म नहीं दिखा कुछ मतलब कल टाइगर नहीं दिखा कल भी रहेंगे कल कोर में है सो कल खूब सो कल कुछ दिख जाए वैसे आज दिखा है काफी कुछ बट टाइगर नहीं दिखा और सो यहाँ के फीस के बारे में आपको बता देता हूँ पर्यटन फी है 2000 रुपीज़ मार्गदर्शन मतलब बेसिकली गाइड 350 रुपीज़ और जिप्सी फी है 2200 सो ग्रुप में आओगे तो बेटर है सुबह 6 से 11 तक रहता है और दोपहर को 3 से 6 तक दोपहर को आई थिंक 11 से 3 बंद रहता है आई थिंक सो यस ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको पढ़ना है तो काय क्रोकोडाइल बघितले काय थ्री काय दिसले थँक्यू सर खूप इन्फॉर्मेशन दिली तुम्ही आम्हाला काय नाव तुमचं सुनील सर सुनील शायद आप लोग को पता नहीं कि मैं बचपन में बहुत ज्यादा पतंग उड़ाता था इन अकोला काइंड ऑफ एक्सपर्ट यस अभी थोड़ा एक्सपर्टीज मेरी कम हो गई है बचपन में बहुत उड़ाते थे तो बढ़िया दिख रही आपको
ये देखो ऊपर पतंग है। हाँ बोल। अरे और ये मांजे वाला। ये मांजे वाला। दोस्तों आपके भाई ने पतंग उड़ा ली है, होप आपको दिख रही है। गांव वाला वॉन्डर से गांव वाले हवा कम है हले रे कर बस। हाँ अभी दिखी पतंग। So, अभी बजे है कितने बजे है? 5:20 मैं सोया था दोपहर को इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के एंड आई जस्ट मतलब अपन लोकेशन डालते ना वैसा डाला था और एक बंदे ने मुझे रिप्लाई कर दिया चंद्रपुर का। सो हाय नाम बताओ। नितिन एंड फ्रॉम चंद्रपुर एंड आशीष। सो इन्होंने मुझे मैसेज किया और फिर मैंने बोला कि अब मुझे पता नहीं कितना दूर है क्या है। आई थॉट चंद्रपुर इज वेरी फार अवे, 2 आवर्स 3 आवर्स ऐसा लगा था, मुझे पता नहीं था इतना नज़दीक है। तो मैं सोया था और फिर मुझे कोई तो बोलता आके कि अरे कोई तो दो लोग आए हैं आपसे मिलने, मतलब अनएक्सपेक्टेड। सो आप लोग का ये प्यार काफ़ी अच्छा लगता है। चंद्रपुर ये साइड में मैं कभी बाइक से आया नहीं बट आना ज़रूर चाहूँगा यार। एकदा ट्राय होऊ शकतो आणि मेजर मेन मतलब यहां से जो हायवे जाता है दैट इज अ K2K हायवे। सो कश्मीर टू कन्याकुमारी ये वाला हायवे है। सो कभी ना कभी तो मैं इधर से जाऊंगा। चलो थोड़ी देर बात करता हूं इनसे फिर मिलता हूं आपसे। सो काफी बातें की हमने, डाइवर्सिफाइड बातें यहाँ के एरिया की। बहुत हाइटेड हो यार तुम लोग, मैं तो छोटा छोटा लग रहा हूँ, बाप रे क्या है। सो थैंक यू गाइस फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। मेरी हवा कर दी मेरे फैमिली लोग के सामने। अभी वो मेरे बारे में बात करेंगे कि बाबा वॉन्डरसन कितना बड़ा ये इस पर्यंत क्या, अभी छोटा मोटा है, अभी प्यार है आप लोग का। सो बहुत बहुत अच्छा लगता है गाइस जब आप लोग ऐसे आके मिलते हो तो पता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि जिंदगी सफल है बॉस। लोगों का प्यार मिल रहा है, अपनी मेहनत शुरू है और क्या चाहिए, पैसा तो आ जाएगा। तो टाइगर देखने की कश्मकश जारी रहेगी कल। आज टाइगर अपने को दिख नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। अपने सब्सक्राइबर लोग भी बोल रहे थे कि ये टाइम ये सीजन पे थोड़ा डाइसी रहता है बिकॉज वो लोग अंदर रहते हैं बाहर नहीं रहते हैं एंड ऑल दोस थिंग्स। अभी क्या है यार, मतलब मुझे सर्दी जैसा क्यों हो गया। तो अभी देखते हैं कल क्या होगा, किसने जाना। हम सफर है राही। सो आई होप यू गाइज लव दिस टूडेज वीडियो। डू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू रियली लाइक माई एफर्ट एंड लाइक या डिसलाइक दबा के जाना ही, इट इज मैंडेटरी, दोनों में से एक तो दबाना ही है। सो लाइक दबाओगे तो बेटर होता है। सो डू कमेंट ऑन बिलो आपके थॉट्स, आपके एरिया में कोई अच्छी ऐसी जगह हो नेचुरल फॉरेस्ट के हिसाब से जो हम लोग एक्सप्लोर कर पाए। ये एरिया में मैं बाइक से 100% आने वाला हूँ इन फ्यूचर बिकॉज देर इज लॉट टू एक्सप्लोर। ये पूरे जो ये साइड ऑफ महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ ये सब एरिया पे तो मैं आने वाला हूँ, ये तो श्योर है। एनीवेज मिलता होगा इस आपसे अगले ब्लॉग में। कल टाइगर की खोज जारी रहेगी। तब तक खुश रहो, आबाद रहो, भटकते रहो एंड डू सब्सक्राइब।